So good morning, dear children. Happy Navratri to everybody. And you know that you have just completed with your exams. So right now we will start again with the chapter which we were studying so far. Please mute your audio. Whose audio is on? Please mute it. Mute the audio. So students of Seven Oak, take out your third language book. We were doing with the chapter Sundar Kamra, isn't it? So yes, happy Navratri to everybody. तो सुंदर कमरा नामक जो पाठ था वो हमने पढ़ा था, और सुंदर कमरा जो पाठ उसको हमने पढ़ के उसके कुछ एक्सरसाइजेस किए थे. थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ क्योंकि बहुत दिन लिंक छूट गया है हम लोगों का. तो सुंदर कमरा पाठ में हमने ये पढ़ा था कि एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम रानी है, और वो जो है बहुत दुखी थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसका कमरा जो है वो बहुत ही जो है ख़राब दिखता है, अच्छा नहीं है. और इसके मुकाबले उसकी जो दोस्त है अलका, उसका कमरा बहुत ही सुंदर है. तो इस वजह से वो बहुत दुखी थी और जो है वो किसी भी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि उसका कमरा जो कि इतना सुंदर से सजा हुआ है, फिर भी क्यों उसका कमरा ख़राब लग रहा है. मतलब सुंदर सजा नहीं हुआ है, मतलब उसके कमरे में इतने सुंदर सुंदर जो सामान रखे हुए हैं, इसके बावजूद भी उसका कमरा क्यों सुंदर नहीं दिखता है. लेकिन फिर उसकी माँ उसको समझाती है कि सामान से कमरा सुंदर नहीं होता है. अगर कमरे को सुंदर बनाना है, उसके सौंदर्य को बनाए रखना है, तो तुमको चीज़ों को सही जगह पर रखनी होगी. और जो है जब तुम मतलब कोई भी सामान उठाओगी तो उसको अगर उसी जगह पर बार बार रखोगी तो उस जगह, वो जगह जो है उस प्लेस, उस चीज़ के लिए असाइन हो जाएगी, और इस तरह से जो है हमेशा तुम्हारा रूम अरेंज्ड रहेगा और एक सुंदर लुक देगा. इसके लिए हमको किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा जो है महंगे महंगे सामान का प्रयोजन नहीं होता है. तो यह सुनकर अलका समझ गई, लेकिन वो ये सॉरी रानी समझ गई, और लेकिन वो यह नहीं समझ पा रही थी कि वो कौन से स्थान पर जो है रखे सामान को जिससे कि वह सही दिखे. इसलिए वह जो है उसकी माँ ने उसकी मदद की, और फिर सारे सामान को सही जगह पर रखा गया, और एक सुंदर चिड़िया ने आके मानो उसके इस कार्य पर मोहर लगा दी और उसको कहा कि यस इट्स वेरी फाइन. सो दिस वॉज अ चैप्टर विच वी हैव स्टडीड. उसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस किए थे और इसके शब्दार्थ किए थे. मैंने आप लोगों से कहा था कि जो शब्द हैं इनसे आप लोग वाक्य बनाएंगे, तो देखते हैं कितना आप लोगों ने किया है. सबसे पहले देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर टिक का निशान लगाए. रानी की दोस्त का नाम था, रानी की दोस्त का नाम था, क्या नाम था रानी की दोस्त का नाम, बोलिए मुझे टाइप करके बताइए, रानी की दोस्त का क्या नाम था. वेयर इज द रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स, राइट इट डाउन. अलका, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने. तो रानी की दोस्त का नाम अलका था. वेरी गुड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है, अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे. जमीन पर, मेज पर, अलमारी में, कहाँ रखे थे. अलमारी में, ठीक है, सही आंसर है. अलका ने अलमारी में रखे थे, और ज़मीन पर इधर उधर तो बिखरा के रानी ने पहले, जब उसका कमरा सजा हुआ नहीं था तब रानी ने इधर उधर रखे थे, बाकी अलमारी में. वेरी गुड, एवरीबडी इज़ राइट. हु आर देयर हु हैव आंसर्ड.
आदित्य, वसुंधरा, सप्तर्षि, अग्निश, वेरी गुड। उसके बाद अब है क्वेश्चन आंसर्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर कॉपी में कर लेते हैं, ठीक है? सब कोई अपनी कॉपी निकाल लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। रानी क्यों गुमसुम बैठी थी, द क्वेश्चन यू हैव टू राइट इट फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 31, ठीक है? पेज नंबर 31 आप लोग खुद से क्वेश्चंस लिख लीजिए, मैं आप लोगों को आंसर लिख करके प्रोवाइड कर रही हूँ। रानी क्यों गुमसुम बैठी थी, लेकिन अगर आप में से कोई आंसर देना चाहता है तो आंसर दे सकता है मुझे। आपके बुक में जो दिया हुआ है वो क्योंकि स्टोरी है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन एन इलैबोरेटेड मैनर। आपको क्या करना है, आपको उसको कर्टेल करके जो ज्यादा ठीक ठाक लगे वैसे सेंटेंस में सजा करके उसको लिखना है। देवाद्रिता लिख रही है, मैं देख पा रही हूँ। छोटा छोटा आंसर लिखिए, और अभी आप लोगों ने जस्ट एग्ज़ाम दिए हैं इसलिए आप लोग ये जानते हैं कि इन क्वेश्चंस से भी हम लोग एमसीक्यूज बना सकते हैं। सो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ये मत सोचिए कि अभी ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हो रहा है तो फिर ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बोथ द क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग इनको भी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में टर्न आउट करके दे सकते हैं, ओके? क्योंकि उसका कमरा अच्छा नहीं दिख रहा था उसकी दोस्त की तरह, वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर। बस इसको थोड़ा ठीक से सजा करके लिखना है। मैं लिख देती हूँ बच्चों, और टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आंसर ऐसा ही है देन लीव इट, ठीक है? लिखिए पहला आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का क। रानी का कमरा उसकी दोस्त अलका की तरह सुंदर नहीं दिख रहा था इसलिए रानी का कमरा उसकी दोस्त अलका की तरह सुंदर नहीं दिख रहा था इसलिए वह गुमसुम बैठी थी। ये पोर्शन हम क्वेश्चन से ही लेकर लिखेंगे, इसलिए वह गुमसुम, वह क्या है, सर्वनाम है जो कि रानी के स्थान पर प्रयोग हुआ था, जिसको हम इंग्लिश में शी कहते हैं, दैट इज वाई शी वॉज सिटिंग क्वाइटली, इसीलिए वह गुमसुम बैठी थी। चलिए ये हो गया हम लोगों का पहला आंसर।
मैं थोड़ा कैमरा डाउन कर देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग तो बाद में ये जब अपलोड हो जाएगा तब पॉज करके भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज बाद में पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रानी ने अपने कमरे को सुंदर कैसे बनाया। रानी ने अपने कमरे को सुंदर कैसे बनाया, मैं लिख देती हूँ आंसर। अभी आप लोगों का रिस्पांस लेकर लिखने का वक्त नहीं है और 3-4 मिनट है, तो मैं लिख ही देती हूँ। लिखो आंसर, रानी ने सभी चीजों को उनके सही जगह पर रख कर कमरे को सुंदर बनाया। लिख लीजिए, अगर आप लोगों का आंसर कुछ और है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। देखिए जनरली ये लास्ट वाला क्वेश्चन सीख के ऊपर होता है, यहाँ पर सीख में है हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, कि रखना तो चाहिए बट क्यों रखना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपने कमरे को सुंदर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब हमारा कमरा सुंदर रहता है तो हमारा मन भी सुंदर रहता है ना, मतलब मन में खुशी मिलती है। आप सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं तो आपके मन में कॉन्फिडेंस रहता है। हमेशा ये नहीं है कि अपने महंगे कपड़े पहने, लेकिन साफ सुथरा रहने में भी एक अलग खुशी होती है। तो हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा इसलिए रखना चाहिए, दैट पोर्शन यू विल राइट फ्रॉम द क्वेश्चन। हमें अपने कमरे को साफ सुथरा, हियर आई हैव पुट सम डॉट्स, इसका मतलब है कि ये पोर्शन आपको क्वेश्चन से लिखना है, टिल सुथरा, सुथरा तक, इसलिए रखना चाहिए,
इंद्रियों की इससे ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, आपने जो चैप्टर रीडिंग किया है उसके ऊपर बोध प्रश्न है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य यानी हेल्थ, इससे स्वास्थ्य और मन दोनों ठीक रहते हैं। इससे स्वास्थ्य और मन दोनों ठीक रहते हैं। क्या लिखा मैंने? हमें अपना कमरा साफ सुथरा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे स्वास्थ्य और मन दोनों ठीक रहता है। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हेल्थ भी ठीक रहता है और मन भी ठीक रहता है। हेल्थ कैसे ठीक रहता है? जितने कमरे में साफ सफाई होगी उतनी ही कमरे में रोशनी ठीक ठाक से आएगी और जो है बीमारी दूर भागेगी। इसलिए क्या है कि हमको दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। लास्ट पोर्शन, ओके आदित्य, आई एम ट्राइंग टू पुट द कैमरा मोर डाउन। Now is that okay? मैंने लिखा है क्योंकि इससे स्वास्थ्य और मन दोनों ठीक रहते हैं। इससे स्वास्थ्य, देखिए ना, देख देख के लिखिए, इससे स्वास्थ्य और मन दोनों ठीक रहते हैं। ठीक है आदित्य, दिख रहा है ना? हाँ, यहां देख लो, क्योंकि इससे स्वास्थ्य और मन दोनों ठीक रहते हैं। ओके बेटा, वेलकम अनिरुद्ध। ठीक है, तो आप सभी ने नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, प्लीज अपना प्रेजेंट दे दें। राफिया, देवाद्रिता, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, आदित्य, वसुंधरा, सप्तर्षि, सप्तर्षि, अन्नेशा, एनीबडी एल्स? ओके, आई एम टेकिंग द नेम शोमिक। ओके, आई एम टेकिंग द नेम। अगर किसी का नाम मिस हो रहा है प्लीज इन्फॉर्म मी। राफिया, देवाद्रिता, अनिरुद्ध, आदित्य, वसुंधरा, सप्तर्षि, अन्नेशा, शोमिक, एनीबडी एल्स? ओके डियर, ओके, सी यू आफ्टर द पूजास। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी। ओग्निश, ये सेम टू यू सप्तर्षि। Bye bye everybody, be happy and
stay safe during the pujas, which is very, very must. You are the students who are the ambassador of everything. So if you will portray a very good image to the society, people will also try to follow you. Yes, Aditya. Thank you, Saptarshi. Thank you so much. Oh, my pleasure, dear. Happy puja, everybody. Bye bye. See you all soon. I'm disconnecting the call, students. Bye.